आज की मूवी हमारी गोस्टबस्टर्स की है, जो कि गोस्टों को पकड़ने का काम करते हैं। और उनके पास एक और बात है जो कि बहुत ही प्राचीन होता है, जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक गोस्ट कैद होता है जो कि पूरे शहर को बर्फ में जमा देता है। तो हाय एवरीवन, आज हम गोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क में 1904 में देखते हैं, जहाँ कुछ फायरमैन एक घर में जाते हैं जिसमें से कि धुआं आ रहा होता है, और वे उस कमरे के पास आकर देखते हैं जिसमें से कि आवाज आ रही होती है जो कि अचानक ही बंद हो जाती है। फिर वे दरवाजे को तोड़कर अंदर देखते हैं तो वहाँ सभी लोग बर्फ में जम चुके होते हैं। वहीं उनमें से एक आदमी सिपाहियों जैसे कवच पहने हुए एक आदमी से गोला लेने लगता है। तभी कवच वाला आदमी अपनी आंखें खोलता है और वे जमे हुए लोग बिखर जाते हैं। फिर वो गोला भी अपने आप बंद हो जाता है, जिसके अंदर एक गोस्ट होता है। फिर हम प्रेजेंट में गोस्टबस्टर कार को देखते हैं, जिसमें कि पीवी गैरी ये सब होते हैं और वे एक गोस्ट ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं, जहां वो ड्रैगन नीचे से निकलकर उनके सामने आ जाता है। तो वे उसका पीछा करते हैं और पीवी कार के साइड में निकल जाती है, जहां वो प्रोटॉन गन से उसे पकड़ने लग जाती है और ट्रेवर भी उसे पकड़ने के लिए ट्रैप भेज देता है, लेकिन वो ड्रैगन और ऊपर चला जाता है जिससे वो ट्रैप में नहीं आ पाता। तो पीवी की माँ केली ड्रोन ट्रैप को भेज देती है और उसमें उस ड्रैगन को बंद कर देती है, पर इससे गैरी का रोड पर ध्यान नहीं होता, इसलिए वो साइकिलों को उड़ा देता है। जिसके बाद वॉल्टर पेक उन्हें अपने पास बुलाता है, जहां वो उन्हें शहर में हुए नुकसान के बारे में बताकर डांटता है और पीवी को देखकर उससे उसकी एज पूछता है, तो वो उसे 15 बताती है और वो माइनर होती है, तो वो पीवी को गोस्टबस्टर में काम करने से मना करता है। जिस पर गैरी उन्हें समझाने लगता है कि पीवी बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो एडल्ट्स की तरह ही सभी चीजों को समझती है। और वॉल्टर पूछता है तो गैरी उसे बताता है कि वो पीवी का टीचर है। तो वॉल्टर कहता है क्योंकि तुम उसके पिता नहीं हो तो तुम इन चीजों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और पीवी को अभी के लिए जूनियर गोस्टबस्टर बना देता है और उनसे कहता है अगर तुम्हारी वजह से फिर से शहर में तबाही होती है तो मैं गोस्टबस्टर्स को बंद कर दूंगा। इसके बाद वे सभी घर आ जाते हैं, जहां केली पीवी से कहती है बस 3 सालों की तो बात है फिर तुम गोस्टबस्टर बन जाओगी। तो पीवी उन्हें मनाने लगती है और कहती है मैं गोस्टबस्टर हूं, मैंने दुनिया बचाई थी। पर वे उसे कुछ सालों के लिए रुकने को बोलते हैं। फिर केली और गैरी नीचे उस गोस्ट को रखने के लिए चले जाते हैं, जहां पीवी के नाना इगोन स्प्लेगनर ने पाइप्स बना रखी होती है गोस्टों को रखने के लिए, जिसमें गैरी उस गोस्ट को रख देता है, लेकिन उसे बंद करता है तो वो बंद नहीं होता, तो केली उसे बंद करने में उसकी मदद करती है। फिर हम पॉडकास्ट को देखते हैं जो कि रे के साथ काम करने लग जाता है, जहां पर वे लोगों की किसी चीज में कोई साया होता है तो उसका पता लगाते हैं, जैसे कि वे अपने डिटेक्टर से चेक करके देखते हैं, जहां उनके पास एक बूढ़ी दादी अपनी बॉच को लेकर आती है पर उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, तो पॉडकास्ट उसे तोड़ देता है। इस सब के बाद वहां उनके पास पीवी आती है, जो कि रे के मंगाए हुए साइको रिएक्टिव का सैंपल लेके आई होती है, जिसे रखने की जगह बताने के लिए पॉडकास्ट उसे अपने साथ ले आता है, जहां पीवी उसे रखकर मार्समेलोस को देखती है। तो पॉडकास्ट उसके पास आने वाले को मारता है और कहता है ये अच्छे नहीं है, मैं इन्हें समर बेल से यहाँ पे ले आया था। और फिर वे दोनों उन सभी मार्समेलोस को देखते हैं जो कि मजे कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनके शॉप पर एक बॉक्स को लेकर आता है, जिसके रखते ही मार्समेलोस अंदर चले आते हैं, जो कि रे को उन चीजों को बेचने के लिए आया होता है जिन पर साया होता है। और उसके अंदर से रे उसी गोले को निकालता है जिसे हमने 1904 में देखा था, और उस आदमी का नाम नदीम होता है। फिर रे उस गोले को चेक करता है तो वहाँ सबको चलने लगता है और वो ट्रैकर खराब हो जाता है, जिससे रोड पर बर्फ जमती हुई आती है। उसका असर गोश्तों पे रखे पाइप पर भी होता है और वो गोला कांच को जमा कर नीचे गिर जाता है। तो रे उसे गोले को खरीद लेता है और नदीम वहाँ से चला जाता है। फिर हम गैरी को देखते हैं, जहाँ गोश्तों के पाइप की दीवार पर दरार आ गई होती है और उसे वो एक लेडी को दिखा रहा होता है। तो वो लेडी गैरी को बताती है कि वो इसे देखने के लिए इंजीनियर्स को भेज देगी, जो कि गोस्टबस्टर ही होते हैं। फिर हम ट्रेवर को देखते हैं, जिसकी छत पर कोई गोस्ट होता है। इसके बारे में वो अपनी माँ केली को बताने के लिए जाता है, तो उसकी माँ कहती है अब तुम बड़े हो गए हो, ये सब तुम खुद संभाल सकते हो। तो ट्रेवर उसे पकड़ने के लिए ट्रैप लेकर ऊपर चला जाता है, जहाँ वो गोस्ट एक कचरे के नीचे होता है। तो ट्रेवर उस कचरे को हटा के देखता है तो वो गोस्ट उसके आर पार होकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद उन्हें गोस्ट पकड़ने के लिए अलर्ट बजा होता है, जिसमें पीबी उनके साथ चलने की कहती है, पर वे पीबी को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इससे पीबी को भी बहुत बुरा लगता है। फिर पीबी वहां से एक जगह आकर चेस खेलने लग जाती है, जहां उसके सामने की चाल कोई चल रहा होता है और पीबी को इससे ज्यादा अजीब नहीं लगता और वो उसके साथ खेलने लग जाती है। तो वो गोस्ट उसके सामने आ जाती है, जो कि एक लड़की होती है, जो कि पीबी से कहती है मैं एक गोस्ट हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लेकिन पीबी को इससे कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो उसे चाल चलने को कहती है। तो वो गोस्ट उससे कहती है अक्सर लोग डर कर भाग जाते हैं। फिर वे दोनों चेस खेलते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और उस गोस्ट का नाम मेलोडी होता है। फिर मेलोडी पीबी के साथ चेस खेलते हुए उससे कई सारी बातें करती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन उनके पास गोस्टों का ट्रैप चेक करने के लिए लार्स नाम का एक आदमी आया होता है, जो कि ट्रैप को देखता है और उसके ब्लूप्रिंट को बताता है। और उनके साथ विस्टन और एक लेडी होती है जो कि पहले गोस्टबस्टर थे, जहां विस्टन उन्हें बताता है ये ट्रैप पीवी के नाना इगोन स्प्लेगनर ने बनाया था।
था। फिर लार्स बताता है इसमें 40 सालों से गोश्तों को डाल रहे हैं, इसलिए इसमें स्पेस नहीं बचा। और वे उन्हें बताते हैं कि वे गोश्त कभी भी ओवरलोड की वजह से बाहर आ सकते हैं। फिर विस्टन बताता है उनके पास एक और गोश्त ट्रैप है और उन्हें वहां ले जाकर कहता है ये पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर है जहां वे गोश्तों को रखकर उनके बारे में जानते हैं। वहीं ट्रेवर को उसकी दोस्त लकी मिल जाती है। फिर विस्टन उन्हें बताता है हम यहाँ चीजों में से गोश्तों को अलग करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। इसके बाद लार्स उन्हें एक चीज में से गोश्त को अलग करके बताता है जहाँ से उस गोश्त को उनके कंटेनमेंट में रख देता है। फिर वहाँ उनके पास रे और पॉडकास्ट ये भी आ जाते हैं और केली के पूछने पर लकी उसे बताती है हमें उन गोश्तों को यहाँ ट्रैप बाय ट्रैप लाना होगा। इसके बाद गैरी ये वहाँ रिसर्च कर रहे हुए गोश्तों को देखने लग जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रोजेसर होता है जो कि किसी भी चीज को कंट्रोल कर लेता है। वे उन्हें बताते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद वे वापस आ जाते हैं और गैरी देखता है कि पीवी बहुत ही उदास है, तो गैरी एक डिवाइस से वायर को हटाकर पीवी को उसे सही करने के लिए बुला लेता है और पीवी से कहता है मुझे पता है तुम उदास क्यों, पर यह सब बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम गोश्तवस्टर बन जाओगी। मैं भी 2 साल पहले टीचर था और अब मैं तुम्हारा पिता हूँ। जहाँ हमें पता चलता है कि पीवी अभी भी उसे पिता कहके नहीं बुलाती। तभी उन्हें गोश्त पकड़ने के लिए अलर्ट आ जाता है, तो गैरी केली इनके साथ गोश्त पकड़ने के लिए चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद पीवी को एक गोश्त पकड़ने के लिए कॉल आता है जहाँ वो जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पॉडकास्ट आ जाता है जिसके साथ वो गोश्त को पकड़ने के लिए चली जाती है। फिर हम लार्स इनको देखते हैं जो कि वहाँ ही चीजों में से गोश्तों को निकालने लग जाते हैं और जब भी उसके अंदर गोले को डालते हैं तो उसके अंदर कुछ होने लगता है और अचानक ही वो थोड़ा सा खुलता है तो वहाँ की लाइट चली जाती है। तो लकी वहाँ रखे गोश्तों को देखने के लिए जाती है कि उसमें से कोई बाहर तो नहीं निकल आया और एक निकल रहा होता है। तभी वहाँ लाइट आ जाती है। इसके बाद लार्स उस गोले को उठाता है तो उसका हाथ जमने लगता है तो वो उसे नीचे पटक देता है। फिर पीवी और पॉडकास्ट शॉप में गोश्त को पकड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पीवी प्रोटॉन गन लेकर गोश्त के पास जाती है तो वो मेलोडी होती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तभी मेलोडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पीवी अपने घर आ जाती है जहाँ उसकी खिड़की के पास मेलोडी भी आ जाती है, तो पीवी उससे बात करती है और अंदर बुला लेती है। जहाँ मेलोडी दीवार के आर पार आ जाती है तो पीवी उससे कहते है अगर तुम ट्रेन सेपरेट हो तो चेस को कैसे मूव कर पाई, जिस पर मेलोडी बताती है क्योंकि मैं दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हूँ। इसके बाद पीवी उसे अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है जहाँ से मेलोडी गोश्त ट्रैप के पास आ जाती है जहाँ उसके पास पीवी भी आ जाती है और उस ट्रैप के बारे में बताने लग जाती है। और बातें करते हुए मेलोडी उसे बताती है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स मरे तो वे गोश्त नहीं बने और वो यहाँ गोश्त बनकर अकेली रह गई। तभी वहाँ केली आ जाती है जो कि पीवी को बुलाती है और मेलोडी भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उस गोले को देखते हैं जिसमें कुछ होता है और शहर में बर्फ जमती हुई जाती है जो कि मेलोडी के पास आ जाती है, जिससे मेलोडी कहती है मैं तुम्हारा काम जल्दी कर दूंगी। तो उसके रिप्लाई में आवाज आती है तो मेलोडी कहती है तुम्हें वो लड़की चाहिए। फिर हम अगले दिन ट्रेवर को देखते हैं जो कि उसी गोश्त को पकड़ रहा होता है और उसने उस गोश्त के लिए कुरकुरों का जाल बिछाया होता है जिन्हें खाने के लिए वो गोश्त बाहर आ जाता है। तभी उनके घर में आवाज आने लगती है जिससे वो गोश्त वापस भग जाता है। तो केली ये नीचे जाकर देखते हैं तो उनके गोश्त ट्रैप की दीवार टूट गई होती है। इसके अगले सीन में हम ट्रास को देखते हैं जो कि उस गोले के नीचे आग को जलाता है तो उसमें बर्फ जमने लगती है, जिससे कि वो पॉडकास्ट इनको बता रहा होता है और उस गोले को वहाँ से मार्स मेलोस के पास ले आता है जो कि उसी गोले की ओर देख रहे होते हैं। और मार्स कहता है ये गोला शायद उन्हें कुछ कह रहा है। वे वहाँ लगे होते हैं तभी प्रोजेसर के वहाँ बर्फ जम जाती है और वो आजाद होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रास ट्रेवर ये निदिम के पास जाते हैं जिससे कि उन्होंने गोला लिया था और उससे कहते हैं हमें वैसी और चीजें चाहिए। तो निदिम उन्हें अपनी दादी की रखी हुई चीजों को दिखाने लग जाता है जहाँ बहुत सारी चीजें रखी होती है और वहीं हम पीतल का सूट भी देखते हैं। साथ ही वहाँ किसी चीज के 2 बड़े-बड़े सींग भी होते हैं। फिर वे सभी उन चीजों को देखते हैं और ट्रास डिटेक्टर को ऑन करता है जिससे कि वे निदिम की ओर करते हैं तो उस पर लाइट जलने लगती है। इसके अगले सीन में हम पीवी को देखते हैं जो कि रे से बात कर रही होती है। वहीं उनके पास पॉडकास्ट होता है जो कि मार्स मेलोस की रिकॉर्ड करी हुई वीडियो देख रहा होता है और वो पीवी इनको उस वीडियो को दिखाता है। साथ ही उन्हें बताता है ये किसी तरह उस गोले से बात कर रहे हैं। तो रे उनसे कहता है मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमारी इसमें मदद कर सकता है, जिसके बाद वे तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में वे निदिम को डॉक्टर पीटर के पास ले आते हैं और डॉक्टर पीटर उसे ऐसे कई सारे सवाल पूछता है जिससे वो जान सके कि इसके अंदर कोई गोश्त है या नहीं, और ये सब करते हुए उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है जिससे वहाँ के गैस की आग ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके बाद उसे और गुस्सा दिलाने के बाद डॉक्टर पीटर और ट्रेवर ये सभी उसे नोटिस कर लेते हैं। इसके अगले सीन में हम पीवी इनको देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं और रे उस वीडियो को उसके दोस्त को दिखाता है लेकिन वो बताता है कि ये बहुत ही प्राचीन भाषा है। तो पीवी कहती है क्या ये किसी आत्मा को बस में करने का मंत्र हो सकता है, जिसके बाद रे उसके दोस्त को गोले की फोटो दिखाता है जिसे देखकर उनका दोस्त उन्हें पुरानी लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ एक बड़ी सी बुक निकालता है और बताता है वो गोला यानी ऑर्ब मैजिकल प्रिजन है जिसके अंदर फैंटम गॉड ग्राका है। बहुत सालों पहले एक राजा ने ग्राका को बुलाया था जिसकी मदद से उस राजा ने सभी जगह जीत ली, लेकिन उसका मकसद पूरा होने के बाद उस राजा ने ग्राका को पकड़
लड़वा लिया और उसके पावर के सोर सिंगों को हटा दिया। लेकिन ग्राहक को इससे बहुत गुस्सा आया और वो छूटकर उन सभी को खत्म कर दिया और उसका प्लान डेड आर्मी लेकर इंसानियत के साथ जंग छेड़ना था। लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले वहाँ फायर मास्टर आ गए जिन लोगों ने अपनी फायर की पावर से उसे रोका और ऑर्ब में कैद कर दिया। इसके बाद उन्हें एक म्यूजिक के बारे में बताता है जिसे कि 1904 यानी मूवी की शुरुआत में देखा था और बताता है कुछ लोग ऐसे ही आर्टिफैक्ट कलेक्ट करते थे और उनमें से ही उनके पास ग्राका का ऑर्ब था। तब वे लोग ये म्यूजिक सुन रहे थे, इससे वे लोग जुलाई के महीने में बर्फ से जमकर मर गए और वे उस म्यूजिक को सुन रहे होते हैं तभी उसमें पजेसर चला जाता है और वो उस म्यूजिक की टेप को निकाल कर कचरे के डब्बे से वहाँ से भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए पीबीए भी उसका पीछा करते हुए जाते हैं जहाँ से पजेसर बाहर चला जाता है और पीबीए भी उसे कचरे के बैगों में ढूंढ रहे होते हैं जहाँ रे ये आकर उस बैग को ढूंढ लेते हैं। पर पजेसर लोयन के स्टेचू में चला जाता है और उन पर हमला करने लगता है तो पीबी उसे बाइक में से प्रोटॉन गन निकाल कर रोक लेती है और पजेसर उनकी ओर आता है तो वो उस पर हमला कर देती है जहाँ पुलिस आ जाती है और पजेसर वहाँ से भाग निकलता है और पुलिस ये उन्हें पकड़कर स्टेशन ले जाती है जहाँ उनके पास वोल्टर आता है और कहता है मैं इस सब का 40 सालों से इंतजार कर रहा था। फिर कहता है गोस्ट वस्टर अब बंद है, जिसके लिए पीबी उसे डांटने लगती है तो वोल्टर उसे बंद करवा देता है जहाँ उसके पास गैरी और कैली आते हैं जहाँ पीबी अपनी मोम से अच्छे से पेश नहीं आती तो गैरी उसे इसके लिए डांटता है जिस पर पीबी उसे कहते हैं क्या तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो गैरी उसे कहता है तुम बहुत ही खुदगर्ज हो, हम सब तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम समझ ही नहीं रही। इसके बाद वे घर आते हैं तो वहाँ पुलिस का नोटिस लगा होता है और अंदर जाकर देखते हैं तो वे गोस्ट वस्टर्स की सभी चीजों को ले गए होते हैं और उनके वहाँ निदीम भी होता है। जिसके बाद गैरी केली के पास जाता है तो वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है तो गैरी उसे समझाता है कि यही हमारी फैमिली और यही हमारा घर है, हम सब गोस्ट वस्टर्स है, यही हमारा घर है। इसके बाद लार्स के पास निदीम आता है जिसे लार्स बताता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर वहाँ रे आकर बताता है तुम्हारी दादी और की लास्ट गार्डियन थी और उसे सब कुछ बताकर कहते हैं तुम फायर मास्टर हो, जिसके बाद वे उसे विश्वास दिला के लाइटर की आग को मूव करने को कहते हैं और निदीम जैसे ही अपने हाथ को मूव करता है तो वो आग भी मूव करती है। ये देखकर निदीम बहुत ही हैरान और खुश भी होता है, जिसके बाद वे उसे इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए कैंडल जलाने को कहते हैं। फिर हम गैरी को देखते हैं जो कि पीवी से बात करने के लिए आता है और उसे समझाता है कि फैमिली होती है जो अपनों की परवाह करती है, तुम काफी अच्छी लड़की हो, तुम समझ जाओगी। तो हम पीवी को देखते हैं जिसके पास मेलोडी आ जाती है जिसके साथ पीवी वहाँ से चली जाती है और मेलोडी उससे कहती है हम दोनों डिफरेंट डिमेंशन से जुड़े हुए हैं। तो पीवी उससे कहती है साइंस से तुम्हारे डिमेंशन में आना मुमकिन है, जिसके बाद उसे अपने साथ गोस्ट रिसर्च सेंटर ले जाती है जहाँ पीवी उसे बताती है मैं तुम्हारे डिमेंशन में 2 मिनट के लिए आ सकती हूँ और उस मशीन को ऑन करके उसके अंदर चली जाती है जिसमें से चीजों में से गोस्टों को निकालते हैं। इससे पीवी गोस्ट बन जाती है और मेलोडी के पास आ जाती है। तभी ग्राका उसे अपने बस में कर लेता है और मंत्र पढ़ने लग जाता है और मेलोडी बताती है इंसान की आवाज ही उसकी आजादी की चाबी है पर वो किसी इंसान को नहीं बल्कि गोस्टों को ही कंट्रोल कर सकता है। फिर मेलोडी पीवी को बताती है ग्राका दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खोल सकता है और उसने मुझसे वादा किया है मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवाने का। इसके बाद वो और बिखर जाता है और ग्राका आजाद हो जाता है जो कि पीवी के पीछे आ जाता है। तभी पीवी का टाइम पूरा हो जाता है और वो अपनी बॉडी में लौट जाती है। तभी वहाँ लकी आ जाती है जो कि उसे ट्रैप में बंद करने के लिए प्रोटॉन गन से हमला करती है, लेकिन ग्राका प्रोटॉन गन की एनर्जी को ही पिघला देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ अलर्ट देखकर गैरी ये भी पीवी के पास आ जाते हैं जहाँ लार्स देखता है कि ग्राका आजाद हो चुका है। दूसरी ओर ग्राका एक आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम आखिरी फायर मास्टर हो, जिसके आकरते ही ग्राका उसे खत्म कर देता है। फिर वो वही निदीम के रूम में जाकर अपने सिंगों को लगा लेता है, जिसके बाद पूरे शहर पर एक तरफ से हमला कर उसे जमाने लग जाता है। फिर पीवी गैरी इनसे कहती है ये सब मेरी गलती है तो वे उसे समझाते हैं कभी कभी गलती हो जाती है। फिर वे रे इनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं तो रे कहता है हमें तैयार होना होगा, उनके पास गोस्टों की आर्मी है। तो पॉडकास्ट कहता है हमारे पास फायर मास्टर है लेकिन निदीम अभी फायर को ठीक से कंट्रोल करना नहीं सीखा होता है तो वे सभी प्रोटॉन गन्स ले लेते हैं। तो पीवी रे से पूछती है उसे 90s में कैसे कैद किया था तो रे बताता है उस कमरे में सब कुछ जम गया था सिवाय उस कवच के। तो पीवी पीतल को पिघलाने लग जाती है अपनी प्रोटॉन गन पर लगाने के लिए। इसके बाद वहाँ विस्टन आ जाता है जो भी गोस्ट वस्टर्स का सूट पहन लेता है और ट्रेवर ये ऊपर होते हैं जिनकी ओर ग्राका आता है तो उन्हें ठंड लगने लग जाती है, जहाँ भी एक साइकिल को देखते हैं जो कि मूव कर रही होती है। तो विस्टन ये बताते हैं वो पजेसर है और उन्हें नीचे बुला लेते हैं जहाँ पजेसर साइकिल से उस दरवाजे में आकर उसे तोड़ देता है और उनकी गोस्ट वस्टर कार में आकर उन पर हमला करने लगता है जिससे वे बच जाते हैं। पर पजेसर वहाँ अब कोई भी चीज में चला गया होता है और लकी कागज के प्लेन पर प्रोटॉन गन लगाती है तो वो प्रोटॉन गन में चला जाता है और ट्रेवर पर प्रोटॉन गन से हमला करने लगता है, लेकिन निदीम इस बार प्रोटॉन गन की एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है और उन्हें बचा लेता है, जहां पॉडकास्ट आकर उस गन को तोड़ देता है। लेकिन पजेसर दूसरी चीजों में से होकर एक पिज्जा में चला जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी ट्रेवर वाला गोस्ट आकर उसे खा जाता है, जिसके बाद वहां ग्राका भी आने
होने वाला होता है तो वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर पीवी मिलोडी के पास जाती है, जहाँ मिलोडी उसे कहती है, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना था, मुझे तो अपनी फैमिली से मिलना था। तो पीवी कहती है, मेरी फैमिली अभी मुसीबत में है, हमारे पास अभी भी वक्त है, हम इसे रोक सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्राका गैरी इनके पास आ जाता है, तो गैरी ये सब मिलकर उस पर अपनी प्रोटोन गन से हमला करते हैं, लेकिन ग्राका उनकी प्रोटोन एनर्जी को जमा देता है। तो निदीम उसे रोकने के लिए अपनी दादी का सूट पहन के आ जाता है, तो ग्राका उससे कहता है, तो तुम फायर मास्टर हो। तो निदीम उस पर हमला करने के लिए लाइटर जलाने लगता है, लेकिन वो जलता नहीं। तो ग्राका उससे लाइटर लेकर लाइटर को राख कर देता है और गैरी इन सब पर हमला करते हुए उन्हें भी जमा देता है, जिसके बाद ग्राका वहाँ के सभी गोस्टों को आजाद करके एक पोर्टल खोलने लग जाता है। तो पीवी ग्राका के पास आकर उस पर प्रोटॉन गन से हमला करती है, जिसका कि ग्राका पर असर होता है और उसका पोर्टल भी बंद हो जाता है, लेकिन ग्राका पीवी पर ही हमला कर उसे जमा देता है। तभी मिलोडी अपनी माचिस की तिल्ली जलाती है, जिसकी आग को निदीम कंट्रोल कर लेता है और ग्राका पर हमला कर देता है। इससे पीवी गैरी ये सब भी नॉर्मल हो जाते हैं और फिर निदीम अपनी आग से और पीवी अपनी प्रोटॉन गन से हमला करती है, जिसे संभालने में केली गैरी ये सब भी उसकी मदद करते हैं। और फिर पॉडकास्ट कार में से ट्रैप को निकाल कर उसे कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राका ट्रैप को तोड़ देता है। तो रे ये उनके बड़े गोस्ट ट्रैप को स्टार्ट करने के लिए नीचे चले जाते हैं। दूसरी ओर पीवी ये उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर रोक रहे होते हैं, तो रे ये सब मिलकर उस ट्रैप को स्टार्ट कर देते हैं। फिर ग्राका के सींग अलग हो जाते हैं और वो ट्रैप में चला जाता है, इससे रे ये सब खुश होते हैं। फिर पीवी अपनी दोस्त मिलोडी के पास जाती है, जहाँ मिलोडी अब आजाद हो जाती है और वो एनर्जी बनकर वहाँ से चली जाती है। फिर वे सभी बाहर आते हैं, जहाँ सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहाँ वॉल्टर उन्हें डांटने के लिए और अंदर करवाने के लिए आता है, और वहाँ सभी लोग गोस्ट वेस्टर्स के साथ होते हैं, तो उसे भी साथ होना पड़ता है और वो फिर से गोस्ट वेस्टर्स को स्टार्ट करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वे बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से ड्रैगन और एक और गोस्ट निकल के जाता है। तो पीवी इस बार गैरी और केली को मॉम और डैड बोल देती है, जिससे वे दोनों काफी खुश होते हैं और वे सभी मिलकर गोस्टों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।